Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. आज का क्लास आप लोगों के लिए दिवाली के पर्पस के लिए मेरा गिफ्ट है. पूरा 10 नंबर यहां से आएगा. आज का क्लास समझ लिया तो दिवाली में तुम लोग एंजॉय करोगे, 10 नंबर मिल जाएगा. सर एंजॉयिंग पे मार्क्स मिलेगा सर, एंजॉय करने पे बोले सर, एंजॉय करने पे मार्क्स मिलेगा क्या सर? हाँ, लेट्स स्टार्ट. कस्टम ड्यूटी जो पेबल होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, दैट इज रेट ऑफ ड्यूटी परसेंटेज इनटू द एसेसेबल वैल्यू. तो एसेसेबल वैल्यू के साथ रेट ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लाई करने से ही आपका कस्टम ड्यूटी आ जाएगा. नाउ हम लोग अब देखेंगे एसेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, माने किसके बेसिस में ऊपर ये कस्टम का वैल्यूएशन होगा. द एसेसेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एफओवी वैल्यू सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) एंड 10(2). एफओवी वैल्यू क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड. अच्छा, बाय द वे, मैंने आप लोगों को कल कुछ वीडियो भेजा था क्लासरूम में, पहले ग्रुप में दिया था, उसके बाद डिलीट कर दिया था, उसके बाद क्लासरूम में कुछ भेजा था, आप लोगों ने देखे हैं? यस सर, देखे सर. यस सर. अच्छा, बहुत सब लोग ने ही देखा है. ठीक है. द एसेसेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एफओवी वैल्यू सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10(1) एंड रूल 10(2). मतलब एफओवी वैल्यू के साथ रूल 10(1) का कुछ वैल्यू ऐड होगा, रूल 10(2) का वैल्यू ऐड होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगा that is accessible value. हम लोग the following conditions are satisfied, the transaction value, if the following condition are satisfied, then the transaction value equal to the accessible value. क्या? Buyer and seller are unrelated and price is the sole consideration. However, transaction price is rejected. However, if transaction price is rejected, then we should refer वैल्यूएशन रूल फॉर दिस पर्पस, जो हम लोगों का सिलेबस के बाहर है. तो एफओबी क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड. एफओबी का मतलब है जो प्राइस फॉरेन सप्लायर सप्लाई के लिए चार्ज करता है, प्लस वो उसका पोर्ट तक लाने का खर्चा, प्लस लोडिंग चार्ज, ये जो जो सप्लायर पे करता है. सप्लायर क्या चार्ज करेगा? दैट इज उसका जो गुड्स वो बेच रहा है, मतलब एक मशीन का जो प्राइस है, वो मशीन का प्राइस उसके साथ कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. तो इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, अप टू द पोर्ट, अप टू द एक्सपोर्टिंग, क्या बोल रहा है, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस देश से एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पोर्ट देश का जो पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां तक, फैक्ट्री से वहां तक लाने का खर्चा, प्लस लेके आने से भी नहीं होगा, उसको जहाज में शिप में उठाना पड़ेगा, दैट इज लोडिंग एंड खर्चा. अच्छा, ऑलवेज याद रखना, दुनिया का जो ट्रेड होता है 90% शिप के वेसल से ऊपर होता है, एयर में कम होता है. तो वैल्यू ऑफ आइटम इन फॉरेन कंट्री एड कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द एक्सपोर्टिंग पोर्ट फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस लोडिंग चार्जेस ऑफ फॉर एक्सपोर्टर, दैट इज द एफओबी प्राइस. एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड. बोर्ड मतलब वेसल के ऊपर छोड़ने तक जितना खर्चा है, दैट इज कॉल्ड एफओबी प्राइस. देखिए, इसमें वेसल का खर्चा एड नहीं हुआ है, वेसल तक ले जाने का खर्चा, उसके साथ एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10(1), दैट इज एफओवी फॉर कस्टम्स वैल्यूएशन, उसके साथ एडजस्टमेंट फॉर रूल 2 ऐड होगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे. चलिए, द फॉलोइंग आइटम आर एडेड with the FOV value under the rule 10(1). यहां पर जो जो पांच छह आइटम मैंने लिखा है
वो एकदम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा एफओवी वैल्यू के साथ, अगर ये आइटम अवेलेबल है इससे पहले। कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, याद रखना, इफ द कंडीशन ऑफ द सेल बोलता है ये सब एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, देन ये सब खर्चा करना होगा, देन ये सब खर्चा आपका वैल्यूएशन में ऐड होगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, अगर सेलिंग कमीशन है तो सेलिंग कमीशन अगर आप पे करते हो उसको वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। पैकिंग कॉस्ट एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, पैकिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्लान डेवलप्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब आप जो मशीन बना रहे हैं उसका स्केचिंग हुआ है जर्मनी में, तो जर्मनी का टेक्नोलॉजी है और जो मैन्युफैक्चर होता है चीन में, चाइना में, 90% केस में ये होता है। टेक्नोलॉजी है यूएसए, इसराइल व जर्मनी का व जापान का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू चीप लेबर होता है चाइना में। तो चाइना का में जो होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड डिजाइन का जो खर्चा आप किया वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये डेवलपमेंट अगर आउटसाइड इंडिया है तभी ऐड होगा, लेकिन अगर इनसाइड इंडिया है ऐड नहीं होगा। वाई सर? बिकॉज ये सब स्किल, ये सब जो टेक्नोलॉजी, ये सब जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। जो कंट्री ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा उसका रेवेन्यू ज्यादा आएगा। दैट्स वाई अगर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिजाइन एंड प्लान वो अगर इंडिया में होता है उसको आप बाहर मुल्क में मैन्युफैक्चर कराते हैं तो ये आपका वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा, बिकॉज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मशीन हैज बीन इनकर्ड इन इंडिया, मतलब हैज बीन डन इन इंडिया। अगर इंडिया में ये सब काम होता है तो ऑब्वियसली ये क्या नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर, कभी कभी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है हो सकता है वो भी बायर सप्लाई करे, तब नेचुरली सप्लाई जो मशीन बेच रहा है वो मशीन का प्राइस में वो मटेरियल का खर्चा हो नहीं, मतलब जो मशीन बनाने के लिए जो लोहा का जरूरत है वो लोहा मान के चलते हैं जो परचेजर है उसने सप्लाई कर दिया, तो जो सेलर है उसका खर्चा में लोहा का खर्चा नहीं होगा, लेकिन जब वैल्यूएशन करेंगे वो लोहा का खर्चा ऐड हो जाएगा। दैट इज वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर। तो रूल 10(1) एडजस्टमेंट में क्या क्या सब एक साथ, कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, मैंने क्या बोला, एवरी एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेल, पैकिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट अगर इंडिया में हुआ तो नहीं ऐड होगा, बाहर मुल्क में डेवलप्ड होता है, डिजाइनिंग होता है, स्केचिंग होता है, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो ऐड हो जाएगा अगर वो इंडिया में नहीं है। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया ऐड हो जाएगा। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी ऐड हो जाएगा। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी मतलब हो सकता है मशीन चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ता है वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको लाइसेंस रॉयल्टी देना पड़ता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग कलर प्रिंटिंग तो देखते हैं, डिजिटल कलर प्रिंटिंग कभी देखे हैं? नो सर, हर जगह नहीं होता सर। कहाँ देखे हो बोलो। डिजिटल बड़ा कलर बड़ा प्रिंट, प्रिंट शॉप होता है ना सर, जहाँ बहुत बड़ा बड़ा फैनर फैनर प्रिंट होता है वहां पर। उससे भी एक बढ़िया होता है, दैट इज एक फॉरेन सीमेंस का एक कंपनी है जो ये सप्लाई करता है, कंपनी है सीमेंस, अच्छी तरह से सुनो, लेकिन जितना प्रिंट होगा वो कंपनी को आपको एज ए रॉयल्टी आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एक अमाउंट है। सर समझेगा कैसे? सॉरी, समझने का वेरी इजी तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर समझेगा कैसे? वेरी इजी समझना, वहां पर एक मीटर होता है, जितना प्रिंटिंग आएगा सब आपको पता चल जाएगा, तो उसके बेसिस में रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी आपका होगा, तो ये भी रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी भी आप रूल 10(1) एडजस्टमेंट में वैल्यूएशन में आएगा। द फॉलोइंग आइटम आर एडेड विद द एफओवी वैल्यू अंडर रूल 10(2). ये था 10(1) का एडजस्टमेंट, अब 10(2) का एडजस्टमेंट क्या, कॉस्ट ऑफ फ्रेट बाई द वेसल और व्हीकल्स एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम। एफओवी वैल्यू ऑफ कस्टम मतलब, एफओवी वैल्यू ऑफ कस्टम का मतलब है
एफओबी वैल्यू प्लस रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, दैट इज एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स। अगर एक्चुअल दे देता है फ्रेट तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं देता है तो देन 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। लेकिन अगर प्लेन में आता है, ईयर में आता है, कार्गो शिप में, कार्गो ईयर में आता है, देन एक्चुअल अमाउंट एंड 20% ऑफ एफओवी एज पर कस्टम्स, व्हिच एवर इज लोअर। मतलब अगर एक्चुअल अमाउंट नहीं देता है तो ऑलवेज 20% ऑफ एफओवी, लेकिन अगर एक्चुअल अमाउंट दे देता है, वेसल ऑन व्हीकल के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ईयर फ्रेट के लिए लिमिट है, 20% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकेगा। क्रॉस करेगा भी तो हम लोग 20% ही लेंगे। शिप डैमरेज चार्जेस अदर देन पोर्ट डैमरेज, मतलब आपका शिप खामखा लेट कर रहा है, इसके लिए जो शिप डैमरेज चार्ज करेगा, डैमरेज का मतलब वेटिंग चार्ज, वो भी ऐड हो जाएगा। लाइट एरेज और बार्ट चार्जेस, ये लाइट एरेज क्या होता है बोलो? ये लाइट एरेज क्या होता है? बोलो। पता नहीं सर। कल क्या देखे थे रात में? सर वीडियो था सर, शिप से शिप में एलपीजी ट्रांसफर का। जो शिप में एलपीजी आया था उसका साइज देखे थे? यस सर। जो शिप में एलपीजी आया था उसका साइज देखे हो? बोलो तो। वो शिप इन कलकत्ता पोर्ट में, तुम लोगों का जो खिदिरपुर का एरिया में घुसेगा? नो सर। मर भी जाएगा? नहीं घुसेगा सर। उसका साइज ही जितना लंबा है, चौड़ा तो छोड़ ही दीजिए, साइज जो साइज है, तो क्या होगा? होल्दिया पोर्ट में भी नहीं घुसेगा सर, छोटा छोटा करके लेके आएगा सर उसको। क्या करेगा एलपीजी? और वो तो बड़ा बड़ा टैंकर में आता है, टैंकर का साइज ही ऐसा है सर, छोटा छोटा करके लाएगा सर उसको, पार्ट पार्ट में। मतलब वहां से क्या करता है, उसको लाइट करता है, हल्का करता है, दैट इज लाइट एरे चार्ज, उसको हल्का करने का चार्ज रिड्यूस करके देता है। एक जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो शिफ्टिंग का काम, ये जो शिफ्टिंग का खर्चा, ये भी यहां पर ऐड होगा, बिकॉज पोर्ट तक लाने के लिए आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। लाइटर चार्ज और बार्ज, बार्ज मतलब क्रेन, बड़ा बड़ा खिदीपुर में देखोगे बड़ा बड़ा क्रेन अवेलेबल है। देखो हो, यस सर, दे आर कॉल्ड बार्ज, तो ये ऐड होगा। इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट इंश्योरेंस आप ले ही नहीं सकते। एक्चुअल अमाउंट अगर दे देता है तो ठीक है, अगर एक्चुअल अमाउंट नहीं देता है तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स इफ नॉट गिवन। बोलिए सर, शिप डैमरेज मतलब सर? आपका गलती से शिप वेट कर रहा है, शिप को सिर्फ आपको माल देने के बाद दूसरे कंट्री में भी जाना है। आप तो पूरा शिप लेके नहीं आए हैं, आपका शिप में आपका भी माल है, दूसरे कंट्री का भी माल है। पूरा शिप में 2% जगह में आपका माल है, बाकी 98% दूसरे जगह का माल है। तो आप ही अगर मुझे वेट करा के रख देंगे तो मुझे दूसरा जगह तो माल लेने में लेट हो जाएगा। ये सुनो बेटा, यस सर, तो क्या करेंगे? ठीक सर, शिप तो डैमरेज चार्ज करेगा ना? यस सर। तो देख लीजिए रूल 10(1), पहले एफओबी वैल्यू, उसके बाद रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, कमीशन, पैकिंग, डिजाइनिंग, रॉयल्टी, लाइसेंस, मटेरियल सप्लाइड, ये सब ऐड होगा। उसके बाद रूल 10(2) का एडजस्टमेंट, रूल 10(2) का एडजस्टमेंट के भीतर कॉस्ट ऑफ फ्रेट, इंश्योरेंस, शिप डैमरेज, लाइट एरेज और बार्ज। चलो उसके बाद इसका वैल्यूएशन, डिटरमिनेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू।
वैल्यू ऑफ आइटम इन फॉरेन करेंसी, कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, लोडिंग चार्जेस, सब मिला के क्या हुआ? एफओवी बिफोर रूल 10(1) आइटम्स, ट्रांजैक्शन प्राइस इतना हुआ, उसके साथ रूल 10(1) का फिगर ऐड होगा, जो जो एडिशनल खर्चा आपको करना पड़ेगा, दैट इज एफओवी वैल्यू फॉर कस्टम्स आया, उसके साथ फ्रेट इंश्योरेंस शिप डैमेज लाइटर चार्ज ऐड हो जाएगा, दैट इज सीआईएफ वैल्यू, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट असेसेबल वैल्यू इन फॉरेन करेंसी। इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके होम करेंसी में लाना पड़ेगा, दैट इज असेसेबल वैल्यू इन फॉरेन करेंसी इनटू एक्सचेंज रेट एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। आई थिंक आपको क्लियर है, याद है मैंने बोला था जब इंपोर्टर माल को बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने के बाद, उसका असेसमेंट करने के बाद ही वो माल को लेके जा सकेगा, तो जिस डेट में वो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑफिसर को दे रहा है असेसमेंट के लिए, उस डेट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वही एप्लीकेबल हो जाएगा, जो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके, मेजॉरिटी एक्सपोर्ट होता है फॉरेन करेंसी इन यूएस डॉलर टर्म्स, कभी कभी येन में भी होता है, पाउंड में भी होता है, तो ये फिगर आएगा असेसेबल वैल्यू जो कल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, उसके साथ ऐड हो जाएगा बीसीडी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, उसके साथ ऐड हो जाएगा आपको सेस नहीं है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज करने के बाद असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी, उसके साथ आईजीएसटी, आईजीएसटी कंपनसेशन सेस, जो फिगर आएगा दैट इज लैंडेड कॉस्ट, यस और नो? नाउ एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाई सीबीएसटी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बिल हम लोग कंसिडर करेंगे, नोट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर द अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस इनकर्ड बाई द इम्पोर्टर। आप बहुत सारे बुक में देखिएगा, आई थिंक 1% ना 2% ये एड करता है, पूरा गलत, वो विड्रॉ हो चुका है 2017 का 91 नंबर नोटिफिकेशन में, आप कोई अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस इन द पोर्ट एड नहीं होगा। आई रिपीट, अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस इनकर्ड बाई द इम्पोर्टर इन द पोर्ट एड नहीं होगा, वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा, देना तो पड़ेगा। थ्री, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एप्लीकेबल इन द बीसीडी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और बीसीडी ऑन द डेट ऑफ इशुइंग एंट्री इनवर्ड। एंट्री यूनियन याद है, शिप खड़ा रहेगा आपको बार्च का अलॉट करके आपको एंट्री इनवर्ड देना पड़ेगा, सो जिस डेट में इश्यू ऑफ एंट्री इनवर्ड हो रहा है और जिस डेट में बिल ऑफ एंट्री, जो बाद में होगा, व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा उस डेट में आपका जो बीसीडी रेट है वही एप्लीकेबल होगा। आपको क्वेश्चन में 100% ये कंफ्यूज करने के लिए दो डेट का बीसीडी देगा, दो डेट का एक्सचेंज रेट देगा, एक्सचेंज रेट के लिए जिस दिन बिल ऑफ एंट्री, लेटर अर्लियर कुछ नहीं है, लेकिन बीसीडी के लिए जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया है और शिप को एंट्री इनवर्ड मिला है, जो लास्ट डेट में होगा, जो लास्ट में आएगा उस डेट में जो रेट अवेलेबल है वही होगा, यस और नो? बिल ऑफ एंट्री तो जब सामान ले जाते हैं पोर्ट से, उस टाइम लेते हैं। यस यस यस, एकदम एकदम। नो प्रॉब्लम, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी पेबल। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखो, अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा एक बार सोचो दो तीन मिनट, उसके बाद में इसका सोल्यूशन करूंगा आपके साथ। Done.
एफओबी वैल्यू कितना, एफओबी वैल्यू बिफोर 10-1 रूल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, एफओबी वैल्यू 8000। 8000। यूकेपी मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम पाउंड, मतलब ये पाउंड के हिसाब से है। तो मैं इसको पाउंड एक सिंबल है, अरे बेटा पाउंड का सिंबल नहीं है, डॉलर का सिंबल है लेकिन पाउंड का सिंबल नहीं है। तो चलो क्या करें, यूके पाउंड। रूल 10-1 का एडजस्टमेंट क्या क्या होगा, 10-1 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके, वो क्या इंडिया में हुआ ना यूके में हुआ है बेटा, यूके में हुआ। यूके में तो चलो 500, कमीशन कितना, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन तो नहीं बोला है, कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट कुछ नहीं बोला है, तो सेलिंग कमीशन ही मानेंगे। 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो चलो एफओबी वैल्यू लेते हैं, 8000 इनटू 2% ऑफ एफओबी वैल्यू, सो 2% ऑफ 8000 कितना होता है, 160 यूकेबी, यूके 160 सर, 160, यस और नो सर? लोकल एजेंट को दे रहा मतलब परचेस के लिए ना देता होगा? ना 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 ना, सेलर का लोकल एजेंट को पेमेंट कर रहा है एक्चुअली सेलर। सिंपल सोचो, सेलर को उस एक जगह में एक्सपोर्ट मिलेगा, उसको पता चलेगा कैसे, उसको आपको एजेंट पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये एजेंट को उसके बिहाफ में जो कमीशन देते हो, मतलब सेलर के बिहाफ में, That is called selling commission, और सेल करने के लिए कमीशन। बिना एजेंट के तो सेल हो सकता है सर? हाँ, तब नहीं आएगा, सब जगह रहेगा भी नहीं। और कुछ, तो ये हो गया एफओवी वैल्यू फॉर कस्टम्स, मतलब एफओवी वैल्यू बिफोर रूल 10-1 के एडजस्टमेंट प्लस रूल 10-1 के एडजस्टमेंट करने के बाद जो आ गया, दैट इज एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम, कितना आता है, 8000 प्लस 160 प्लस 500, 8660। यूकेपी क्या है सर? 8000 यूकेपी, यूनाइटेड किंगडम पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग का होता है ना, हम लोगों के इंडिया में जैसे रुपीज होता है, यूएसए में वैसे डॉलर होता है, बांग्लादेश में टाका होता है, दिनार होता है, मतलब आई थिंक दुबई में। तो उसका पाउंड सर, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, पाउंड, और इसमें ट्रांजैक्शन होता है डॉलर में, मेजरली डॉलर में होता है। नाउ फ्रेट, फ्रेट के लिए 2500 यूके पाउंड दिया है, फ्रेट के लिए मैंने क्या बोला है, अगर एक्चुअल दिया है तो ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम 20% हो सकता है, उससे बाहर नहीं। तो एक्चुअल अमाउंट है 2500 और लिमिट क्या है, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम, बिकॉज आपके पास दो एफओबी वैल्यू है, एफओबी वैल्यू बिफोर रूल 10-1 एडजस्टमेंट, एफओबी वैल्यू आफ्टर रूल 10-1 एडजस्टमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम, आप उसको ही कंसीडर करेंगे। 20% ऑफ 8660, दैट इज 1732। इंश्योरेंस हाउ मच, how much insurance, 8660 into 1.125%, कुछ बोला नहीं है इंश्योरेंस, देन मुझको 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम ही लगाना पड़ेगा। अच्छा पहले इसका वैल्यू बोलो, 97.425, 1732, और इंश्योरेंस का वैल्यू 97 0.425, क्या बोल रहे हो, 8660 into 1.125%, 97 point, तो 97.43। ठीक है, जूते पहन,
छाप्तन बोला कि जो बची है रख कितना हुआ दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट हाउ मच कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट हाउ मच प्लस 1732 प्लस 10489.43 यूके पाउंड डन सर आप इसको कब को क्या कन्वर्ट करना है सर उसको तो इंडियन करेंसी में लाना है तो कौन सा डेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे देखो एक्सचेंज रेट कौन सा डेट में बिल ऑफ एंट्री में एक्सचेंज रेट बोल दिया है 100 रुपया करके और डेट ऑफ अराइवल में मतलब एंट्री इनवर्ट में था 95 तो कौन सा डेट का लेंगे बिल ऑफ कौन सा डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे बेटा बिल ऑफ एंट्री ओके दैट इज 100 तो कितना आएगा वन जीरो फोर एट 943 ओके 10,48,943 तो एसएसएल वैल्यू क्या आ गया दैट इज योर एसएसएल वैल्यू उसके ऊपर आपका बेसिक कस्टम्स ड्यूटी चार्ज करोगे लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी भी तो दो रेट है 18% 20% कौन सा डेट लोगे सर बीसीडी के लिए विच एवर इज लेटर तो उसके बाद लेटर कौन है बाद में कौन आता है सर बिल ऑफ एंट्री बाद में आया जो बिल ऑफ एंट्री का डेट है वही उसका डेट का ही रेट होगा 20% तो क्या आता है बोलो 20,09,789 इसके ऊपर 10% शार्ट चार्ज कितना 20,979 एसेसेबल वैल्यू कितना एसेसेबल वैल्यू होगा प्लस कस्टम ड्यूटी मिला के सर 10,48,943 प्लस 209,789 प्लस 20,979 1,279,711 उसके ऊपर 18% IGST डीम टू बी इंटरेस्ट रेट सेल तो 23,03,230,348 कॉम्पेंसेशन सेस नहीं है तो दैट इज द लैंडेड कॉस्ट हाउ मच 15,10,059 टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल हाउ मच कस्टम्स ड्यूटी क्या क्या है सब कुछ मिला के सर सिंपली 209,789 प्लस 20,979 प्लस 230,348 460,934 दैट इज टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल ओके यस सर यहां पर देखो और एक अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज है ये देखो अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज मैंने बोला है पोर्ट के लिए अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज ऐड नहीं होगा दैट्स व्हाई ये 3000 ऐड नहीं हुआ एज पर नोटिफिकेशन 91/2017 हैंडलिंग चार्जेस पेड बाय इंपोर्टर विल नॉट बी एडेड डन Yes or no? Yes, sir. ये प्रॉब्लम को मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ ये प्रॉब्लम को हाथ में ऑब्वियसली एक बार करना सो दैट नेक्स्ट क्लास में आराम से मैं प्रॉब्लम करा सकता हूँ ओके मंडे जब क्लास होगा हम लोग आराम से कर सकते हैं ये डन यस सर चलो Happy Diwali to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.
बोले सर दिवाली का सर मिठाई सर। इतना बड़ा प्रॉब्लम कराया तब भी मिठाई लग रहा है तुम लोगों को, क्या हाल है लोगों का? सर मिठाई खिलाएंगे सर ग्रेजुएशन के टाइम सर, आके कॉलेज खुल गई सर। मिठाई तो तुम लोगों को